हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ दानापुर के लिए, क्योंकि वहाँ दीदी और दीदी का एनिवर्सरी का पार्टी है शाम में। बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज का प्यारा सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सफर का शुरुआत करते हैं दादी के आशीर्वाद के साथ। और यहाँ पे ट्रेन का टाइम भी हो चुका है। जाला आया है मुझे ड्रॉप करने, ये आके आके जा रहा है। ऑटो मिलता है तो ऑटो से चलते हैं, नहीं तो ऑटो लेट होगा तो लिफ्ट लेकर जाना पड़ेगा, देखते हैं। तो एक भाई साहब ने मार्केट तक लिफ्ट दिया और फिर मार्केट से पैदल ही निकल रहा हूँ स्टेशन की ओर। अब देखना ये है कि ट्रेन मिल पाती है या नहीं। वैसे ट्रेन का टाइम से हम लोग मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत लेट ट्रेन आती है। उम्मीद करता हूँ ट्रेन मिल जाएगी, देखते हैं क्या होता है। तो भाई 7:30 हो रहे हैं और ट्रेन भी आ चुकी है, मतलब सफलतापूर्वक ट्रेन पकड़ा चुकी है हम लोग। अब यहाँ से देखते हैं दानापुर तक कितने देर में पहुँचते हैं। तो चलिए सफर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 9:20 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन हाजीपुर जंक्शन पहुंच चुकी है। नींद काफ़ी ज़्यादा लग रही है यार, थोड़ी दूर और बाकी है जाने, मतलब थोड़ा दूर और जाना है, 2-3 स्टेशन बाद उतर जाना है हम लोगों को, देखते हैं। फाइनली गाइस 1 घंटे ट्रेन खड़ा रहने के बाद हाजीपुर से खुली है ट्रेन। 1 घंटा यहाँ पे बैठना पड़ा। बाहर धीमी धीमी बारिश भी हो रही है, नहीं दिख पाएगा आप लोगों को, कैमरा प्रोफेशनल नहीं। फिलहाल गाइस 11 बजने वाले हैं और दानापुर पहुंच चुका हूं मैं। यहां से कुछ दूर चलता हूं फिर घर पहुंच जाऊंगा और फिर सेलिब्रेट करेंगे एनिवर्सरी का पार्टी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपनी दीदी के यहां और यहां मेरा भांजा यूवी। यूवी कोई बैड कमेंट मत करना, ये नंगा है। हाय करो, बोलो हेलो। ये क्या है? तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं पटना का चिड़ियाघर घूमने, क्योंकि आज दीदी का एनिवर्सरी है और दीदी जीजल और यूबी और मैं हम लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर घूमेंगे। नीचे ऑटो आ चुका है, बस बैग को उठाना है और चलते बनना है। फिलहाल हम लोग ऑटो में हैं, कुछ देर में पहुंच जाएंगे चिड़ियाघर। यूबी आज यूबी को भी घुमाएंगे, शेर को दिखाएंगे, बाघ बाघ को दिखाएंगे और क्या देखेगा। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर के घर के गेट पे, आप लोग देख पा रहे होंगे। जी अंदर गए हैं टिकट खरीदने, फिर चलते हैं टिकट लेके। तो टिकट का चार्ज बच्चे का 10 रुपये, एडल्ट का 30 रुपये और मंडे को क्लोज्ड है। सो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर के अंदर और मैं ऑलरेडी 2 सीरीज बना चुका हूँ चिड़ियाघर के ऊपर, Part 1 और Part 2, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। फिलहाल आज भी एक्सप्लोर करते हैं और मस्ती करते हैं चिड़ियाघर के अंदर। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर के अंदर और मैं ऑलरेडी 2 सीरीज बना चुका हूँ चिड़ियाघर के ऊपर, Part 1 और Part 2, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। फिलहाल आज भी एक्सप्लोर करते हैं और मस्ती करते हैं चिड़ियाघर के अंदर। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज तो टाइगर का बहुत ही खतरनाक लुक था। फिलहाल चलते हैं सांप वाले घर में। आज यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं है, छाया है, चिड़िया का आवाज़ सुनाई दे रहा है मस्त मस्त। दिस इज वेरी अमेजिंग फीलिंग। और यहाँ पे हमारे छोटे सरकार मून वॉक करते हुए और ये देखिए यहाँ पे गेट ही है बना हुआ और गेट के एंट्री के साइड में इसको लगाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे घूर रहा है यहाँ पे खड़ा होकर और रियल वाला फीलिंग आ रहा है इसको देख देख के, क्या ही बोलूँ। और छत पे नागिन,
इतना भयंकर, ये देखिए ऊपर। और गाइस यहाँ पे डियर को देखिए, हिरन को, इसके ऊपर का सींग अमेजिंग। अढ़ाई बज चुके हैं और हम लोग चिड़ियाघर पूरा घूम चुके हैं। फिलहाल चलते हैं बाहर की ओर, बाहर से फिर घर चलेंगे और घर तैयारी करेंगे सेलिब्रेशन का। मैं टोटल 3 बार चिड़ियाघर आया गाइस, और इस बार का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा। फैमिली के साथ आया और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, अंदर में जानवर भी काफ़ी नए नए थे जो कि पिछले बार नहीं थे, इस बार देखने को मिला। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे फिर देखते हैं जो करना होगा वो करेंगे। सो फाइनली गाइस 9 बज रहे हैं रात के और सेलिब्रेशन वगैरह सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है, खाना भी हो चुका है हमारा। तो आई होप कि आप लोगों को ये डेली ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए ताकि हम आगे भी कंटिन्यू करें। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में।